सटीक जानकारी के लिए दैनिक जागृति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल दैनिक जागृति पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि एमपी प्री वेटनरी एंड फिशरीज प्रवेश परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या है। दोस्तों, यह स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम 5.5 वर्ष का होता है इंटर्नशिप सहित, और इसकी शिक्षा का माध्यम होता है अंग्रेजी भाषा। इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा मध्य प्रदेश के कॉलेजों में BFSC यानी बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस और BVSC एंड AH यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल एसेबेंट्री कोर्स में प्रवेश के लिए राज्य स्तर की परीक्षा है। जो उम्मीदवार पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन कार्यक्रम में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को इस परीक्षा के पैटर्न और पाठ्यक्रम को समझना आवश्यक है, ताकि वो अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। इसी संदर्भ में हम सबसे पहले बात करते हैं इस प्रवेश परीक्षा के पैटर्न की। PA एंड FT प्रवेश परीक्षा का पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का होगा। पेपर में 200 अंकों के लिए 200 विकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। परीक्षा की समय अवधि 3 घंटे है। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। प्रश्न वनस्पतिक विज्ञान, भौतिक, प्राणी विज्ञान और रसायन विज्ञान से पूछे जाएंगे। यदि हम प्रश्न पत्र की बात करें तो वह 4 भागों में आपको विभाजित मिलेगा। सबसे पहला भाग होगा वनस्पतिक विज्ञान यानी बोटनी। इस विषय से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 85 अंक के होंगे। दूसरा होगा प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। इस विषय से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 85 अंक के होंगे। तीसरा भाग होगा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। इस विषय से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 85 अंक के होंगे। और चौथा और अंतिम होगा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। इस विषय से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 85 अंक के होंगे। यदि हम पूरे प्रश्न पत्र की बात करें तो प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 200 ही अंक के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अब बात आती है इस प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम की। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। इसके वो प्रमुख विषय इस प्रकार हैं, जिनसे आमतौर पर प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेंस चुंबक और विद्युतीय प्रवाह है। गुरुत्वाकर्षण और उसकी भिन्नता के कारण त्वरण, इकाई और आयाम, संवहन और विकिरण, मास ऊर्जा का संबंध और विखंडन, एक्सरे गुण और उपयोग, एक आयाम में गर्मी चालन, प्रकाश की तरंग प्रकृति, कंडक्टर के प्राथमिक विचार, ये वो विषय है भौतिक विज्ञान के, जिनसे आमतौर पर प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला विषय है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान आपको प्रश्न पत्र में 3 भागों में विभाजित मिलेगा। पहला है जर्नल और फिजिक्स केमिस्ट्री। इसके विषय इस प्रकार है, समाधान, विद्युतीय रसायन, परमाणु की संरचना, ठोस अवस्था, रासायनिक संतुलन, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स। दूसरा है अकार्बनिक रसायन शास्त्र। इसके विषय इस प्रकार है, संक्रमण धातुएं, तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन, रासायनिक विश्लेषण, रासायनिक आवधिकता, समन्वय यौगिक, धातु क्रम संचालन के सिद्धांत। और तीसरा होगा ऑर्गेनिक रसायन। इसके विषय इस प्रकार है, तैयारी के गुण और उपयोग, वेंजिन, क्रैकिंग ऑक्टेन नंबर, गैसोलीन, एडिटिवस, सामान्य कार्यात्मक समूह है, कार्बनिक यौगिकों के अनुबंधजन्य और आणविक सूत्र की गणना, पेट्रोलियम, एल्केनिज, एल्काइल, एल्केन्स और वेंजिन के आकार, आइसोमेरिजियम संरचना। ये रसायन शास्त्र के वो विषय हैं, जिनसे आमतौर पर प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला विषय है वनस्पतिक विज्ञान। इसके विषय इस प्रकार है, एंजाइम और विकास हार्मोन, गेहूं और चावल, पल्स, तिलहन, गन्ना, कोयला और पेट्रोलियम, सेल संरचना और सेल ऑर्गेनेल के कार्य, साम्राज्य वर्गीकरण, ऊतक और ऊतक प्रणाली, मेंडल के वंशानुक्रम के नियम, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस, मानव कल्याण में पौधों की भूमिका, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, पारिस्थितिक तंत्र,
ये वो विषय हैं वनस्पतिक विज्ञान के जिनसे आमतौर पर प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला विषय है प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान के विषय इस प्रकार है, कंकाल और तंत्रिका, संयोजी पेशी की संरचना और कार्य, पशु उत्तक उपकला, बहुकोशीय स्ट्रक्चर और पशु जीवन का कार्य, विकासात्मक जीव विज्ञान और अनुवांशिकी, उत्तक संस्कृति जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके संक्षिप्त विचार, इंसानी आबादी, ब्लड ग्रुप और उनका महत्व, ब्लड बैंक, स्तनधारियों में मादा प्रजनन चक्र, उत्परिवर्तन जीन, उत्परिवर्तन विकास और आर्थिक प्राणी शास्त्र, वर्गीकरण, द्विपद और त्रिनोमियल नामकरण, जंगली संरक्षण, वर्गीकरण की मूल विशेषताएं, वर्णों और उदाहरणों के साथ कक्षाओं तक विभिन्न जानवरों का वर्गीकरण, धूम्रपान, शराब और मादक पदार्थ की लत, जैविक विकास के सिद्धांत, डर्विन, लेमार्क, जीवन की उत्पत्ति, मानव विकास, कैंसर और कैंसर सेल के प्रकार, मनुष्य के संबंध और प्रोटोजोआ रोग, जैविक विकास के सिंथेटिक साक्ष्य, एपिकल्चर, फिशरी और पर्ल इंडस्ट्री, मनुष्य के संबंध में बीमारियों को ले जाने वाला कीट, संचारी रोग जैसे एपेटाइटिस और एड्स, टीके, एसटीडी, प्रतीक्षा प्रतिक्रिया और एंटीसीयुग एलर्जी, लक्षण और नियंत्रण। ये प्राणी विज्ञान के वो विषय हैं जिनसे आमतौर पर प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो थी दोस्तों MPPV और FT प्रवेश परीक्षा के पैटर्न और पाठ्यक्रम की जानकारी। और यदि आप पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो इस पर हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट दैनिकजागृति.com पर भी आकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल दैनिक जागृति सब्सक्राइब नहीं किया है तो करियर और शिक्षा से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप सभी से विनम्र निवेदन है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इस परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।